After taking all the important and useful properties of power and exponent, let's start the topic square. सबसे पहले, what is the meaning of square? Square is a word. The meaning of a square is number multiplied by itself. ठीक है, कोई भी number लीजिए. Let's say I am taking 5. तो 5 into 5 अगर हम करते हैं, then it is a square. कैसे? वो देखिए. यहां पर क्या है, बेसिस सेम है. द पावर ऑफ 5 इज नथिंग, मीन्स इट मीन्स 1. सो आई हैव केप्ट 1 हियर. बेसिस आर सेम, द ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन. देन व्हाट विल हैपन, पावर विल बी एडेड. 5, 1 प्लस 1 इज 2. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 5 इनटू 5, देन व्हाट इज द रिजल्ट, 5 टू द पावर 2. हियर if I say 5 to the power 2, then it is also correct. And if I say it is 5 square, then it is also correct. So in short, now I'll use word, it is square of 5 or 5 square. ठीक है? तो अब हम जब भी 5 to the power 2 आएगा, means हम क्या बोलेंगे, say 5 का square or square of 5. And in another language, you can say the power of 5 is 2. But specifically जब power 2 है, then we used to say square. ठीक है? कोई और example लीजिए, like I have 10. कोई power नहीं है, means 1 है. Base same है, then power will be added. Now it is 10 to the power 2. But now I'll say it is 10 square or square of 10. अगर मैं square of 10 लिखूं और 10 टू दी पावर 2 बोलूं और द पावर ऑफ 10 इज 2, सबका मीनिंग जो है वो सेम है. बट अब हम जो वर्ड यूज करेंगे फॉर 2, इट इज स्क्वायर. पावर में 2 होगा, देन इट इज स्क्वायर. नाउ If I have x, then bases are same, power will be added, means x to the power 2. So what I will say, x square. ठीक है? अब आप ध्यान अगर दें, पिछली क्लासेस में आपने square shape पढ़ा है, and the area of square is always side into side, right? पढ़ा है हमने already previous classes में? Yes. Let's say side is 10 centimeter. तो हम क्या करते थे area निकालने के लिए, 10 centimeter into 10 centimeter. तो हम answer लिखते थे 100, but we never use centimeter. We always write either this or 100 square centimeter. Am I right? Yes. बट जब हमें ये समझ नहीं आता था कि ये स्क्वायर क्या है, ठीक है, ये स्क्वायर कहां से जनरेट होता था, ये 10 है, ये 10 है, इनकी पावर कुछ नहीं है, इट मींस इनकी पावर क्या है, 1 है. मींस ये आता था 10 टू द पावर 2, व्हिच इज 100. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज रोट 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज़ 10 10 का मल्टीप्लाई होता था, तो सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर का भी तो मल्टीप्लाई होता था. एंड जब भी कोई चीज उसी नंबर से या उसी चीज से मल्टीप्लाई होती है, इट विल कन्वर्ट इनटू स्क्वायर. लाइक x का जब x से मल्टीप्लाई होता है, तो कैसे वो x स्क्वायर बन जाता है. सिमिलरली सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, तो वो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर 1 प्लस 1 मींस सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम हमेशा एरिया में यूनिट जो है वो स्क्वायर क्यों यूज करते थे. ठीक है, नंबर को तो हम मल्टीप्लाई कर लेते थे, बट जो भी यूनिट होता था, मीटर होता था, तो हम लिखते थे स्क्वायर मीटर. व्हाई? बिकॉज़ इट वाज मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स. अगर ये मीटर होता था, तो वो आंसर में मीटर स्क्वायर आता था, मींस स्क्वायर मीटर. किलोमीटर होता था, तो आंसर वाज इन स्क्वायर किलोमीटर. फाइन, तो जब भी सेम नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल जनरेट स्क्वायर या पावर ऑफ 2. ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर. सिमिलरली
मैथ्स में एक और वर्ड होता है, दैट इज क्यूब। अभी उसके यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यू शुड नो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। क्यूब, क्यूब मीन्स नंबर को 3 times मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, देन इट इज क्यूब। कोई भी नंबर, अगर वही नंबर 3 times मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए पावर क्या है, 1। अब आप पावर के रूल से तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए, पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 + 1 means x to the power 3, or you can say the power of x is 3, but no, now I'll use the word for 3 is cube. This is x cube. ठीक है, इसका भी example लें, same cube रहता था and आप इसका volume निकालते थे, volume of cube is L into B into A, sorry, this is volume of cuboid. A into A into A, volume of cube is side into side into side. ठीक है, क्या हो जाता था volume? A cube. जब हमें ये नहीं समझ में आता था कि ये A to the power 3 कहां से आया है, बट ये A to the power 3 कहां से आता था, ये पावर जो है वो ऐड हो जाती है, 1 + 1 + 1 will become 3, that's why A to the power 3, and now we generally use word this cube for this. ठीक है, इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज क्यूब। जब इनकी यूनिट्स मल्टीप्लाई होती थी तब भी सेम ही होता था, लाइक एक 5 है तो 5 × 5 × 5, सो आंसर विल बी 125, 5 × 5 × 5 सेंटीमीटर में फॉर एग्जांपल, तो सेंटीमीटर आ जाएगा, तो आंसर इज 125, बट यूनिट इज क्यूबिक सेंटीमीटर, और आप ऐसा लिखते थे क्यूबिक सेंटीमीटर। आई थिंक अब आपको रिकॉल हुआ होगा, इन प्रीवियस क्लासेस हम वॉल्यूम जब भी निकालते थे तो हमें ऐसा लिखना होता था, यूनिट के हमारे टीचर हमें हमेशा बोलती थी विदाउट यूनिट वॉल्यूम और एरिया की कोई वैल्यू नहीं है, बट जब हम याद करके लिख देते थे तब हमें ये पता नहीं होता था कि ये कैसे आ रहा है। तो 5 का जब 3 times मल्टीप्लाई हुआ तो वो तो 125 बन गया, मीन्स 5 to the power 3 हो गया, बट सेंटीमीटर का 3 times मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर की पावर 3 हो गई, और जब भी पावर 3 होगी तो वील यूज वर्ड क्यूब, एंड जब भी पावर 2 होगी देन वील यूज वर्ड स्क्वायर। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी था, तो अब आई होप कि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा।